Goldflake. से बेगाना हो मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना दुनिया के सारे गमों से बेगाना हो मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना अपनी खुशी से जीता हूँ दुनिया में अपनी खुशी से न दुश्मन किसी का न उल्फत किसी से न दुश्मन किसी का न उल्फत किसी से ओ दिन रात मेरा यही है तराना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना दुनिया के सारे गमों से बेगाना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना झगड़ों से आजाद हूँ मैं दुनिया के झगड़ों से आजाद हूँ मैं ओ ये सारा जहाँ है मेरा आशियाना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना दुनिया के सारे गमों से बेगाना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना हंसना या रोना जीना या मरना हंसना या रोना होता रहेगा जो कुछ है होना होता रहेगा जो कुछ है होना हो खाएंगे हम और कमाए जमाना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना दुनिया के सारे गमों से बेगाना ओ मैं हूँ मस्ताना हो मैं हूँ मस्ताना क्या किस्मत पाई हिंदुस्तान भर में तुम्हारे दिल का कोई जवाब नहीं बड़े रहम दिल अच्छा अच्छा आगे बोलो आगे बोलो जब किसी गरीब को बाजार से कोई चीज नहीं मिलती तो तुम उसे फौरन काले बाजार के भाव से दे देते लेकिन याद रखना सेठ
किसी दिन कोई गरीब जरूर तुम्हें जेल भिजवा के छोड़ेगा। बंडल बात समझते हमारी शोर नहीं देता जो नहीं देता हमारी चीज क्यों नहीं देता तुम के बच्चे तुम एक बार जेल जा चुके हो जी। दोबारा कब जाऊंगा? अरे मस्ताना तुम कब आए? तुम मुझसे पूछ रही है कहाँ है तेरा वो साथी जादूगर का बच्चा? होगा कहीं यही कहीं गली की नुक्कड़ पर लोगों को उल्लू बना रहा होगा। भाइयों ये मत समझना मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ। ये जादू जिसे इंग्लिश में मैजिक कहते हैं मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। मेरे बुजुर्गवार हाथ की सफाई सिखाने में उस्ताद माने जाते थे। मैं उन्हीं का और हाथ बेटा हूँ। आज मेरा कुछ कमाल देखिए है किसी भाई के पास गरीब? जी हाँ। ये चोरी का माल तो नहीं? नहीं जी। जमूरे दिखाओ ये के पास सबको। देखिए साहबान ये मुर्गी घड़ी से बनाई गई मुर्गी। अरे मारू घर जा लीजिए सरकार आपने दी थी टिक 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 और मैंने बना दी टू टू टू। अब इसे घर ले जाइए चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी घड़ी वापस दो। ये मुर्गी घड़ी से बनाई गई है। अरे मेरी घड़ी तो सोने की है। और ये सोने का अंडा देती है। अरे मेरी घड़ी वापस देते हैं कि नहीं? क्या करूँ मजबूर हूँ बाबा मेरे बुजुर्गवार वापसी का मंत्र सिखाने से पहले ही मर गए। अब इनके पिताजी मरने से पहले वापसी का मंत्र मुझे सिखा गए। बड़े पागल मैं जादू का खेल कर रहा था। अरे यार मसाना पब्लिक के सामने आदत छोड़ेगा नहीं अपनी चोरी की। चोरी मैं करता हूँ जान तेरी क्यों चलती है? इसलिए चलती है कि तू मेरा पड़ोसी हो मैं तेरे पड़ोस में रहता हूँ। तेरा तो दिमाग खराब हो गया मस्ताना। ये बुरी आते 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 छूटती है। घर चल चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा कि जब तक तू आदत नहीं छोड़ेगा मैं नहीं जाऊंगा। मगर सुनो तो मसाला
जेब में आई, दोनों बेहोश हो गए। चाय गरम, गरम चाय। ए चाय डबल रोटी वाले, एक डबल रोटी निकालना। हाँ आओ, लो भाई दो आने। बाबूजी एक आना। क्या बात है, सारी दुनिया को मालूम हो गया कि मेरे पास एक आना है? भूखा हूँ। ये क्या कुछ खबरें सुनाई तुमने? अरे भाई मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ। डबल रोटी गरम चाय ला यार। ले बाबू एक अन्नी। बाबू बाबू मैं दो दिन से भूखा हूँ। दो दिन से? तू झूठ बोलता है। नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलता झूठ? अच्छा फिर ले, रोता था कोई? अब क्या है? ले बैठ जा। घबरा नहीं यार, एक दिन हम भी पेट भर के खाना खाएंगे। अपने भी चारों तरफ रोटियां ही रोटियां होंगी। बड़े आदमियों की तरह मेज और कुर्सी पर बैठ के खाएंगे। दोनों टाइम? दोनों टाइम नहीं, पांच पांच टाइम। मामा मामा तो बड़े लोग भूखे मर जाएंगे। अरे नहीं यार, हम किसी को भूखा नहीं मारेंगे। जिन लोगों ने हमको भूखा मारा है, जिनके सामने हमें सूखे टुकड़ों के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनको भी खाना देंगे, कपड़ा देंगे, उनको इज्जत देंगे। हम हर इंसान की इज्जत करेंगे, क्योंकि वो भी इंसान है। बाबू अभी तुम मोटा में बैठे हो। बैठा एक बार पुलिस की मोटर में, बड़े मजे किए। जानते हो मेरा जी चाहता है कि ऐसी ऐसी एक नहीं दो मोटर हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक को इस हाथ से उठा लूं, दूसरी को इस हाथ से, और दोनों को धाम से टकरा दूं, एक एक पुरजा पुरजा अलग कर। अच्छा कभी ये टक्कर होगी? होगी, मेरी जिंदगी में नहीं तो तेरी जिंदगी में तो जरूर हो। दादी ये सामने कौन सो रहा है? धक्के देकर निकाल चुका हूँ, फिर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर पहुंच जाती हूँ। यहाँ ना हो तो फिर कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है, आप ही एक दिन मुझे इस घर की रानी बनाकर ले आए थे। और अब मैंने इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। इतना जुलम नहीं, पति की ठुकराई हुई स्त्री को तो भगवान भी सहारा नहीं देते। सासी समझ कर ही किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। मुझे दासी नहीं, एक औरत चाहिए, ऐसी औरत जो मुझे एक नई जिंदगी दे सके, जो मेरी रगों में खून की जगह आग भर दे। ऐसी आग तो मैं नहीं लगा सकती जो किसी का घर जलाकर राख कर दे। ये तो वही कर सकती जिसके दिल में प्यार के बजाय पाप हो, जिसकी आंखों में लोकनाथ की जगह दौलत की भूख हो। शाना दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहां से। मुझ पर नहीं तो अपने बच्चे पर ही तरस खाइए। इस मासूम को दुनिया के चौकरों से बचा लीजिए। आपके सिवा इस बच्चे का दुनिया में कौन सहारा है? अगर कोई नहीं तो इसका गला घोंट दो, समुद्र में डूब मरो। Thank you.
दौड़ती क्यों नहीं मर गया भागे? तेरा भी जवाब नहीं मालिक, तू शेरों को शिकार देता है और मस्ताने को 555 गोल्ड प्लेट
ब्लैक एंड व्हाइट के सिगरेट के टुकड़े। तू तो मेरी दुनिया में बादशाहों का बादशाह है, तो मैं तेरी दुनिया में सिगरेटों के टोटे चुनने वाला मस्ताना। खैर हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, जब कभी भी तुझे दुनिया के धंधों से फुर्सत मिल जाए तो हमें याद कर लेना, और जो तेरे जी में आया दे देना, हम कभी इनकार नहीं करेंगे। क्या समझे? तो आप थे, आप यहां अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? आइए। मेरा नाम है मस्ताना, आपका क्या नाम? ठीक है साहब, मेरे साथ खेलना चाहते हैं आप? अच्छी बात है, मैं आपका दिल बहलाता हूँ। जब तक कि आपके माँ बाप अंदर से पूजा करके ना आ जाएं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि कहानी सुनेंगे या गाना है? गाना सुनेंगे यार, बड़ा शौकीन है आप, तो सुनिए जनाब गाना सुनिए। गाना सुनाओ। ये आप क्या करते हैं? बस ये, बस ये। देखिए हमने तो आपसे की दोस्ती और आपने उठा के मार दिया सूट। जनाब हमारे पास सिर्फ ये एक ही सूट रह गया है, और वो भी अपना नहीं, ये अंग्रेज बुजुर्गों की आखिरी निशानी है। जाते वक्त हिंदुस्तान से वो ये कह रहे थे कि इसको पहनना और हमें याद रखना। क्या समझे? अब जनाब मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है और ये सूट भी ड्राई क्लीन कराना है। अच्छी बात, अच्छा बैठ गया आप यहाँ। ये जेल जाना है? जेल? ये क्लास मिले तो जरूर जाना। उठा अपने बच्चे को, चल थाने। बच्चा? मेरे तो कोई बच्चा नहीं, मैं खूब समझता हूँ। 15 बरस हो गए तुम जैसे चक्कों को पकड़ते हुए, उठा अपने बच्चे को। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो यहाँ अकेला बेचारा खेल रहा था, मैंने कहा अपना दिल बहला लो, इसका दिल बहला दो। अरे उठा अपने बच्चे को। अरे भाई मैं कह रहा हूँ। क्या बात है बेटा? महाराज ये आपका बच्चा है। वैसे तो तुम भी मेरे बच्चे हो बेटा। मुझे इस मुसीबत से बचाइए महाराज। मुसीबत? क्यों भाई, क्या बात है? ये बदमाश अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग रहा था महाराज। राम राम राम, ये तो पाप है बेटा। महाराज ये मेरा बच्चा नहीं है, इसके माँ बाप अंदर पूजा करने गए हैं। अंदर तो कोई नहीं। कोई नहीं बेटा, भगवान की दिन को ठुकराया नहीं करते, औलाद तो नसीबों से मिलती है, इसे पाल पोस कर बड़ा करना तुम्हारा धर्म है। ये मेरा बच्चा नहीं है महाराज, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं इसको पालने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं सब समझता हूँ बेटा, गरीबी से घबराया नहीं करते, ये तुमसे कौन सी दौलत मांगता है, इसे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। सिर्फ प्यार तो इसका पेट थोड़े भरेगा। पेट भरने वाला तो भगवान है, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जाओ इसे अपने घर ले जाओ। क्या मुसीबत? ये ले और चल यहां से। जाता है या नहीं? जाता हूं भाई, जाता हूं। डांटता क्यों है? डांटता क्यों है? तेरे भी देन का जवाब नहीं है भगवान। यहाँ सूखी रोटियां नसीब नहीं होती और तू ना दूध पीने वाले भेजी। दुनिया वालों का तो ख्याल कर, शोर मचाएगा तो सब आ जाएंगे और पूछेंगे लड़का किसका है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? किसी तरफ से ले आया था,
किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैं और तुम मंदिर की सीढ़ियों पे मिले थे। बाप रे, कोई हुआ ना। मस्ताना, वो मस्ताना। अरे भाई, ये बैंड आजा बंद कर, मेरी इज्जत का सवाल। क्यों मर्दों की जात की इज्जत खराब करता हूँ? तेरे पे छोड़ दिनों में मूछे आ जाएंगी, कम से कम इन मूछे का ख्याल कर। अरे कमाल हो गया, बड़ा इज्जत वाला है, शाबाश। तुम बातें किससे कर रहे थे? रो कौन रहा था? वो वो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तरह जादूगर का काम सीख लूं, तो बच्चे के रोने की आवाज की प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे थे तो अच्छा, एक बार हमारे सामने प्रैक्टिस हो जाए। तुम समझते हो कि मैं झूठा हूँ? झूठा? तू दस झूठों का बाप है, क्यों जलवा? हाँ, अच्छी बात। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। बताओ, बताओ बताओ, अभी बताओ। ये मैंने प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं की है। प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं की है? बताओ बताओ, अभी बताओ। बता कहीं का बच्चे इस तरह रोते हैं? मैं बताता हूँ बच्चे किस तरह रोते हैं। माफ करना, मुझे कुत्ते का बच्चा याद आ गया। सुनिए, अभी बताता हूँ इंसान का बच्चा किस तरह रोता है। इस तरह असली बच्चे रोते हैं। तुम तो फटे बांस का बाजा बजा रहे थे। जलवा जलवा, जरा लगा तो ज्योतिष, देखे मामला क्या है। इधर देखो, ज्योतिष विद्या के हिसाब से मालूम होता है बच्चा इसी कमरे में है, लेकिन किसी और का है, किसके गले पड़ गया है। बोल कहाँ है? छुपी हुई चीजों का पता लगाना हम जादूगरों का काम है। बोल मस्ताना, पढ़ू मंत्र। कालो कलवा काली राम, मैं बुलाऊ आ जाया, छुमछुमा के छप्पर चू छिंचना की बबलबू, छुमछुमा के छप्पर चू छिंचना की बबलबू, छिंचना की बबलबू, छिंचना की बबलबू, छिंचना की बबलबू। बोल चंबू रे। क्यों बे, जादूगरों से टक्कर लेता चला? नो 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 नो, ले 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 ले, ये कुमन ले ले, कुमन ले ले। अबे चप्पल चप्पल कर, तू बना एक मंत्र की देर है, बच्चे में से लट्टू बना दूंगा। हाँ जी, ये मर्दों के काम नहीं है, ये तो औरतों के काम है। अरे रे, किसने मारा तुझे? मैं तुझे राजा बनाऊंगी, मैं तुझे राजा। अरे राजा, महाराजा से नहीं बनेगा। विधाता ने लिखी उसे मान ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले, प्राण देवे वही और वही प्राण ले। तेरे बस में है क्या, तेरे बस में है क्या, ये जरा जान ले। तू है निर्बल तो वो बलवान,
मुन्ना, 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 पंजी सिक्की सत्ती अखी महला ओ नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला ओ नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला सिक्की चौकी पंजी सिक्की सत्ती अखी महला ओ नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला जी नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला बाप मस्ताना है तो बेटा है रंगीला बाप मस्ताना है तो बेटा है रंगीला बाप है नहला तो बेटा होगा दहला ये है नहले पे दहला ये है नहले पे नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला जो नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला सिक्की चौकी पंजी सिक्की सत्ती अखी महला ओ नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला जो नाचे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला चाचा तेरा
नन्नी मुन्नी चाची, गोल मोल चाचा तेरा नन्नी मुन्नी चाची। वाह रे ये जोड़ी जैसे पान में इलाची, वाह रे ये जोड़ी जैसे पान में इलाची। सुनू पान में इलाची, मुन्नू पान में इलाची। चाची भोली भाली तो चाचा बड़ा चला, ये है नहले पे डहला, ये है नहले पे डहला। होना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला, होना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला। होना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला, बिना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला। होगा जवान मुन्ना बहू लेके आएगा, होगा जवान मुन्ना बहू लेके आएगा। अब्बा बड़ी शान से ससुराल पहाड़गा, अब्बा बड़ी शान से ससुराल पहाड़गा। लेना आना मुन्ना कहीं चाची जैसी लैला, ये है नहले पे डला, ये है नहले पे डला। होना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला, बिना चे मोरे अंगना में मुन्ना पहला पहला। तू फिर आ गई चुड़ैल? मेरा मुन्ना गुम हो गया। तू क्यों ना गुम हो गई उसके साथ? भगवान के लिए मेरा मुन्ना ढूंढ दीजिए, मैं फिर आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, चल जा यहाँ से। आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बेसहारा माँ पर रहम खाइए, भगवान आपको इसका फल देगा। मैं कह चुका तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा बच्चा गुम होने के बजाय मर भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। आपका खून इतना सफेद हो गया है, आपके सीने में बाप का प्यार नहीं तो क्या इंसानियत का दर्द ही नहीं? बंद करिए अपनी बकवास और दबाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरे मुन्ने को ढूंढना ही पड़ेगा। तुम कैसे नहीं जाएगी, मैं तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्या बात है साहब, ये पागल औरत है, हाँ वहां गले पड़ रही है। पीछे हटो, जाइए साहब। क्यों शरीफ आदमी को तंग करती हो, कौन हो तुम? नहीं तुम तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे? पहले तो ये था कि दूसरे कमाते थे और हम खाते थे। ये समझते थे कि दुनिया के सारे बैंकों में जितने खाते हैं हमारे और हमारे बाप दादा के, मगर क्या करें यार, दुनिया वालों ने धोखा दिया और सब खाते अपने नाम में करा दिए। खैर पेट खाली ही सही लेकिन दिल तो रही सही। अपना तो ये उसूल है कि पेट भरे वालों पे लाने भेजो और शहर के कमेटी के जितने नन्हे उसमें से ठंडा पानी बहुत सारा पियो और अपने आप को पाटे खा समझो। मगर बेटा अब ये रईसी नहीं चलेगी, ये शेर भर दूध जो तुम रोज पियोगे ये कहाँ से लाया जाएगा? इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो नहीं नहीं मुझे काम करना पड़ेगा, करेंगे। लो अब तुम यहाँ लेट जाओ आराम से, देखो मैं बता। हाँ ले जाओ और अगर भूख लगे ए, ये क्या गया नहीं दूध, ठीक है। अच्छा चले मिस्टर, हाँ मगर मिस्टर तुम्हारा नाम तो मैंने रखा ही नहीं अभी तक, क्या कैसे पुकारा करूँ तुम्हें? मैं बताऊँ? अबे तू क्या बताएगा मोटे? अबे वो बदतमीज मोटा होगा तू। मैं तो हूँ मिस्टर 1954। जलवा क्यों नहीं, क्यों नहीं, नाम रखने में तो तुम्हारे खानदान का जवाब है। क्या प्यारा नाम है मटका। खैर इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए? ये सोचने की बात है, सोचने की बात है, जरा मुझे सोचने दो। बिल्लू। हाय हाय क्या प्यारा नाम है बिल्लू। तुम्हें इस कनस्तर से प्यार है, इसने कह दिया बिल्लू तो तुमने भी कहा हाय हाय कितना प्यारा नाम है बिल्लू। बकवास। एक कनस्तर के भतीजे बकवास तू करता है, समझता नहीं। सुनो पुराने वक्तों में पंजाब में एक शहर का नाम था सालबान को, समझे?
साल बान कोट, बिगड़ते बिगड़ते बन गया सियाल कोट। वैसे ही बिल्लू, बिल्लू से बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा बिलवा। बिलवा? हाँ हाँ मस्ताना, सारी दुनिया से प्यारा, यानी कि सारी दुनिया से न्यारा। मानते हैं तुम्हारे खानदान को नाम रखने के बारे में। शुक्रिया। बाय बाय बिल्लू, बाय बाय बिल्लू ता एंड ता। घबराने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। सच? मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा? हाँ हाँ, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वहाँ रिपोर्ट लिखवा दीजिए। शौक नहीं गया? निकाल निकाल, मेरी सीटी कहाँ है? निकाल। अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरे मुंह में क्या है? मुंह खोल, मैं कहता हूं मुंह खोल, मुंह खोल। कुछ नहीं है, माफ करना, माफ करना दोस्त, ये लड़के बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ माफ करना। मैं ये सोच रहा था कि इसी तरह मेरी माँ भी मुझे खिलाया करती थी, और उससे पहले मेरी दादी मेरे पिताजी को इसी तरह लोरियाँ दे के सुलाया करती थी। सो जा ताश के पत्ते, सो जा तुकम के इसके, सो जा। जलवा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जवान होते ही
میرے والد بزرگوار جوا کھیل کے پکڑے گئے اور جیل یاترا کو پدارے. میں نے کہا شریمان پنگ پونگ جی آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ معاف کرنا جذبہ, میں اپنے خاندان کی ہسٹری میں چلا گیا. دراصل کہنا یہ ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب کوئی بھگوان میرے ہونے والے بچے کو بھی اسی طرح کھلایا کرے گی, لوڑیاں دے کے سلایا کرے گی. اس کا جواب تمہارے خاندان کی ہسٹری میں نہیں لکھا؟ یہی تو ایک بہت بری بات تھی. ہمارے بزرگوں میں شادی کے معاملے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا, سب کو اپنا بندوبست آپ کرنا پڑتا تھا. اس لیے میں بے شرم ہو کر خود ہی تم سے پوچھ رہا ہوں جلوا. ہائے تک ہی رہنے دو. پولیس وارے مستانا یار, آج خوب سیٹیاں بجا رہے ہو. جلوا ذرا چمٹا لیا, اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا. مگر یہ سیٹ ذرا جھک جانا یار. کتنی بڑی, جلوا ذرا مسانے کا تھوڑا سا اور منہ کھولا. ہاں یہ آتے گیا نا, یہ پکڑا ذرا وہ بھی گلے میں. ہائے رام, راشن میں کنکروں کے ساتھ ساتھ سیٹیاں بھی آنے لگی. نہیں نہیں نہیں, یہ سیٹی میں نے بلو کے لیے چرا کے گلے میں رکھ لی تھی. ہائے تک رہنے دو جلوا. ڈک مستانا, تو نے سیٹی چرائی بلو کے لیے, یہ ٹھیک ہے. کل کہیں بندوق اور پستول چرا کے منہ میں رکھ لو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا, پیٹ میں چاند ماری شروع ہو جائے گی. جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل جگر پھیپھڑے سب باہر. ہاں سب باہر. گھبراؤ مت بہن, کون تھا یہ؟ میں نہیں جانتی کون تھا, میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ بدماش مل گیا. کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارا بچہ کہاں, دھوکا دے کر مجھے یہاں لے آیا. کیا ہوا تمہارے بچے کو؟ کھو گیا, صبح سے شام تک شہر کا کونا کونا چھان مارا مگر مجھے میرا بچہ نہیں ملا. کس کے پاس جاؤ, کس کو اپنا دکھڑا سناؤ؟ اور تمہارے پتی؟ ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں. بہن بھگوان پر بھروسہ رکھو, وہ سب ٹھیک کریں گے. اس کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں. اچھا تو تجھے سے بہت پیار ہے؟ اتنا کہ بتایا نہیں جا سکتا. بچے کا پیار بچے ہی والا سمجھ سکتا ہے. تو بے اولاد کیا سمجھے؟ میں بے اولاد بولا.
मेरा कनर सर, मेरा प्यारा कनर, मेरा बाबा कनर सर। तू नहीं समझी जलवा, जैसे मेज का बच्चा दराज, कुर्सी का पुत्र स्टूल, तंदूर का बेटा चूल्हा, वैसे ही मटके का बेटा कलर सर, मेरा प्यारा कलर सर। हाय नो सत्यानाथी, बहुत प्यारा, थैंक यू जलवा। मुहूर्त निकलवा लूं? काहे का? शादी का। सत्यानाथ, एक बार नहीं 100 बार कहा है कि जब तक तुम गृहस्थी चलाने के काबिल नहीं हो जाओगे मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मुझसे शादी करने के लिए तो पैसा कमाओ। पैसा? तू बड़ी लालचन हो गई है जलवा, इस करने वाले पैसे की परवाह नहीं करते। मजनू एक आशिक था हमारी तरह, वो भी लैला से प्यार करता था, अमीर था, शहंशाह था, लैला के लिए उसने दौलत को लात मार दी, कपड़े फाड़ दिए और यही गलियों में गाता पीता था, लैला लैला पुकारू मैं भी, मेरी लैला बसी मोरे मन में, तन में पन में। चल चल, बड़ा आया मजनू का मुकाबला करने वाला। मजनू लैला के इश्क में चूक चूक कर कांटा हो गया था और तू है कि मोहब्बत में फूल फूल कर भैंसा बने जा रहा। तो मैं क्या करूँ, वो असली घी खाता, मैं आजकल डालडा घी खाता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ कह दो जलवा। हाँ कह दो। हाँ हाँ, इसी तरह से जाता है कि नहीं? आओ जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। होता तो क्या होता, कवारों का भी दुनिया में। अकेले इस तरह काटे सफर ये जिंदगानी का, सफर ये जिंदगानी का, हमें तो जहर लगता है ये मौसम नौजवानी का, ये मौसम नौजवानी का, ये मौसम नौजवानी का, किसी का साथ किस्मत में, किसी का साथ किस्मत में, लिखा होता तो क्या होता, किसी का साथ किस्मत में, लिखा होता तो क्या होता, कवारों का भी दुनिया में, खुदा होता तो क्या होता, कवारों का भी दुनिया में। की जरूरत है, जिसकी जरूरत है।
होता तो क्या होता, सवारों का भी दुनिया में। अगर किसे नजर होता तो अच्छी सी कोई लाते, अगर किसे नजर होता तो अच्छी सी कोई लाते, तो अच्छी सी कोई लाते। तुम्हारे दर पे चक्कर काट कर जूते न घिसवाते, अरे जूते न घिसवाते, ये हम जूते न घिसवाते। अगर कुछ छोड़ कर अब्बा, अरे अब्बा, अब्बा जी, अरे ओ अब्बा, अगर कुछ छोड़ कर अब्बा मरा होता तो क्या होता, अगर कुछ छोड़ कर अब्बा मरा होता तो क्या होता। खुदा ने इनको पैदा ना किया होता तो क्या होता, खुदा ने इनको पैदा ना किया होता तो क्या होता। सवारों का भी दुनिया में खुदा होता तो क्या होता, सवारों का भी दुनिया में। रानो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। सौंफ लाया हूं और क्या। ठीक 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 ठीक, पगली अपने लिए बहन और तेरे लिए ननद लाया हूं। बेचारी बहुत दुखी है, पहले इसके पति ने ठुकरा दिया, फिर इसका बच्चा गुम हो गया, अब इस गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं। बाजी, कोई कैसे नहीं, हम जो है घबरा मत बहन, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, आओ कुछ खा पी लो। नहीं बहन, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरा मुन्ना नहीं मिलेगा। अरे वो कैसे नहीं मिलेगा, उसका बाप भी मिलेगा। तुम मुझे नहीं पहचानती हो, इस शहर के सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों बच्चे मुझे फुग्गे वाला सेठ कहकर पुकारते हैं, फुग्गे वाला। तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा मुन्ना मुझे जरूर मिलेगा, और मैं उस बदमाश को कान से पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा, और तुम कहोगे मैंने तो उसे देखा ही नहीं, फिर पहचानूंगा कैसे। मैं बताती हूँ, तुम रोज इसको अपने साथ ले जाया करना, तुम खिलौने बेचना और ये बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती रहेगी। मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन जरूर इसका बच्चा मिल जाएगा। मेरा दिल भी यही कहता है, भला कभी बच्चा भी अपनी माँ से जुदा रह सकता है। वो जरूर कहीं ना कहीं रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहा होगा। पानी नहीं चाहिए तुझे, पी ले ना। अब समझ गया मैं तुझे क्या चाहिए। जलवा, ए जलवा, जरा बाहर आओ। सोने नहीं देते, अरे ये रो क्यों रहा है, भूखा है। अगर तुम इसको संभालो, मैं दूध का बंदोबस्त करने जाता हूँ। लोटा, लोटा, ए लोटा। मेरा नाम मटका भाई। मटका? अच्छा मटका इसे, मगर है कहाँ तू? यहीं गए। अरे तेरी टांगे कहाँ है? ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे लोटा चाहिए। अंदर से ले लो, ये साफ करने की दवाई तो खा लेते हैं और लोटा मुझसे मांगते हैं। मटका चल मेरे साथ, चल मेरे साथ चल। अरे भाई जब तक मैं एक बीड़ी न पी लूं मैं नहीं जा सकता। लाने से तेरी बीड़ी पे, मेरा बिल्लू रो रहा है। बिल्लू रो रहा है और लोटा मांगने तुम चले आए। इतना मोटा तू है, उतनी मोटी तेरी अकल। बिल्लू रो रहा है, भूखा है, दूध चाहिए उसको।
दूध इस वक्त कहाँ से मिलेगा? चल तो सही, ग्वालों के यहाँ जाएंगे, वहां से चोरी करके आएंगे। चोरी चोरी भाई, तू अकेले कर, न मुझे ग्वालों से बिगाड़ना है न गाय भैंसों से। चलता है कि नहीं? मैं कहा चलता है कि नहीं? मैं क्या निकाल जरा ज्यादा दूध निकालना, चाय मैं भी पीऊंगा। मस्ताना यार, ये तेरा ब्लू शेफ जमा हंसता है तो फूल बरसते हैं, रोता है तो मुबत्ती चाय मिल जाती है। गाय भैंसों की दुलत्तियां तो मुझे खानी पड़ती हैं। अबे रोता क्यों है? अगर भगवान हमें ऐसा बच्चा दे दे तो दुनिया भर की भैंसों की दुलत्तियां खाने को तैयार हो जाऊं। क्यों जी? सत्यानाशी। ओ सुना प्यारे, जब भी मैं मतलब की बात करता हूँ तो ये सत्यानाशी कहकर मेरी गृहस्थी का कबारा कर देती है। जरा पूछ तो इसे, कब तक शादी नहीं करेगी? ये उम्र हो गई है। देख, जब तक तू इसके दरवाजे पे अपनी बारात लेके नहीं जाएगा, तब तक ये सत्यानाशी सत्यानाशी कहती रहेगी और तेरी शादी नहीं होगी। हाय हाय सत्यानाशी। हाय हाय मसाना, जब तक हाय हाय करती थी तब तक तो मामला ठीक था, मगर ये सत्यानाशी कहकर मेरा सत्यानाश क्यों करके जाती है, जरा बताओ तो। तू तो पागल है तनवर। मैं पागल हूँ? देख, जब औरत गुस्सा करती है तो इसका मतलब है कि प्यार करती है। अच्छा, जब औरत गुस्सा करती है तो उसका मतलब प्यार करती है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में चला जा, मिन्नत कर, समाजत कर, वो हाँ कह देगी, तेरी शादी हो जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया, मैं अभी मसाना मसा, मगर मुझे शर्म आती है। शर्म आती है तुझे? इतने लंबे चौड़े आदमी को? आई चल जा, जा तो सही। कैसे कैसे तू जाना नहीं जाएगा? इस तरह न डांटो, मेरा नन्हा सा दिल है, भगवान के वास्ते हाँ कर दो। मैं जिंदगी भर गुलामी करता रहूंगा, तुम्हें नूरजहान मलका बना के रखूंगा। अगर मर गई तो बोरी बंदर पे एक छोटा मोटा सा ताजमहल बना डालूंगा। क्या क्या बड़ा आया ताजमहल बनाने वाला, शादी अभी हुई नहीं और मेरे पिता की फिक्र पहले से करने लगा। जाने मन, कसम खा के कहता हूँ, अगर जब कभी तुम्हारी पिता चलेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ शक्ति हो जाऊंगा। हाँ, अगर यकीन हो तो मर के देख लो। हाय 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 सत्यानाशी, हाय हाय तक रहने दो। जब मामला सत्यानाशी तक पहुंचता है तो मेरा सत्यानाश हो जाता है जलवा। चलो मेरा सत्यानाश हो जाता है। तो मेरी तरफ देखती हो तो मस्ताना, I am successful, come darling, oh मस्ताना, sorry, doubtful, जलवा। राजा का हाथी ले ले, गुड़िया का साथी ले ले, देखे पैसे चार मेरे नन्हे मुन्ने यार, ओ देखे पैसे चार मेरे नन्हे मुन्ने यार। परियों की नानी ले ले, छोटी सी रानी ले ले, देखे पैसे चार ले ले ये मीना बाजार, देखे पैसे चार ले ले ये मीना बाजार। Thank you.
माल की कीमत देखाना, ओ छोटे बाबू ले जाना। लेके मैं आया देखो कैसे खिलौने, देखो कैसे खिलौने। हरे हरे नीले नीले सावले सिलोने, देखो सावले सिलोने। देखो बड़ी दूर से खिलौने वाली आई, गेंद बाजा घोड़ा तोता मैना लाई। चाहे ये राजा ले चाहे ये बाजा ले, देखे कैसे चार ले लिए मीना बाजा, को देखे कैसे चार ले लिए मीना बाजा। राजा का हाथी ले ले गुड़िया का साथी ले ले, देखे पैसे चार मेरे नन्हे मुन्ने यार, ओ देखे पैसे चार मेरे नन्हे मुन्ने यार।
अबे यार बिल्लू, अगर यही हालत रही तो काम कैसे चलेगा? भूखो मरना पड़ेगा। मजा तो यह है कि आजकल किसी के दरवाजे के शीशे ही नहीं टूटते। मैं बता सकती हूँ पापा। तू? हाँ। अबे तू तो बड़ा होशियार निकला। अरे यार जान है, मान अगर ये तरकीब तू न बताता तो हम लोग भूखे मरते वापस। लड़के ने पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए हैं, जरा शीशे लगा दे। शीशे तो लगा दूंगा सेठ, मगर मेरे रेट जरा हाई किस्म के हैं। क्या लेगा भाई? एक एक शीशे के दो दो रुपए होंगे। अच्छा भाई, दो रुपए ही ले लेना। आजा अंदर जल्दी से आजा। आया। जियो मेरे बिल्लू, हजार बरस टूटेंगे शीशे, हजार बरस टूटेंगे शीशे, हजार बरस। पापा, जब टूटे हुए शीशे लगाते थे तो बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था, और अब शीशे तोड़ कर लगाते हैं तो खूब मजे करते हैं। बेटा ये दुनिया ही ऐसी है। ये कपड़े उतार दो, मैले हो गए, मैं धो देता हूँ। चल जल्दी करो, जल्दी करो। कुश्ती हो रही है, कुश्ती मारे बिल्लू पहलवान।
तू घबरा मत, कचूमा निकाल देगा, बिल्लू पहलवाना मजाक नहीं, ये मारा। तेरा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है, कैसी कुर्सी लौटा है? दुनिया से मार दो, जान से मार दो, जान से मार दे, मामा जी का राज है। अरे बिल्लू ये याद रहे, अगर ये जंजल छांडो हार गया तो तुमको मुझसे लड़ना होगा। मुझे तुमसे लड़ना होगा? जी हाँ। ये दुनिया तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा। जूनियर मार दे बिल्लू को, बिल्लू खींचा बेटा, हाँ खींचा, हाँ जय चावल जूनियर, अपने बाप की खातर बिलू मैं जानता हूँ काम जीत गया, तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए। तेरी बारी है। मेरी बारी? हे भगवान, अच्छा पेंडो साहब अब आपकी बारी। खैरी है मिस्टर सैंडो, बारी मेरी। ओके कम ऑन, थ्रो द कप। अरे बताना था, बताऊं
खाती क्यों नहीं बहन? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भैया, रोटी के इस टुकड़े के लिए न जाने मेरे बच्चे को किस किस का मुंह देखना पड़ता होगा। 6 साल हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। घबरा मत बहन, तुम्हारी ममता की तरफ एक ना एक दिन मुन्ने को तुम्हारे पास जरूर ले आएगी। हाँ, इसी आस पर जी रही। यही है मनोहर बाबू? हाँ। जालिम कहीं का पाप और दौलत के नशे से अंधा बना रखा है। जी में आता है इसका सर तोड़ दूं। सर तोड़ दूं? मगर कैसे? बहन तुम जरा घूंघट निकाल कर रखो। ए शाबाश, ऐसे। हाँ, मैं तुम्हें अभी एक नाटक दिखाता हूँ। हाँ, नहीं खड़ी रहना। मुझे फुग्गे वाला सेब कहते हैं। ले लीजिए साहब, खिलौने देखिए कितने सस्ते और कितने अच्छे हैं। आप अपना दिल बहलाने के लिए हर रोज एक नया खिलौना बदल सकते हैं। अजी, अगर अपने लिए नहीं तो अपने बाबा लोग के लिए ले लीजिए। क्या कहा? बाबा लोग? जी। कमाल है। मालूम होता है नई नई शादी हुई है तभी आप बच्चों का नाम सुनकर हंस पड़े हैं। अजी बाबूजी, आज नहीं तो कल तो बच्चा ही। एकदम चले। अजी मैम साहब, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी घरवाली भी बच्चों का नाम सुनकर हंस देती थी, और अब जरा पूछिए तो सामने खड़ी है। हाँ, भगवान की दया से और आप लोग के आशीर्वाद से 5-5 बच्चे हैं। 5-5। इसीलिए शर्माए खड़ी है। अजी बाबूजी, शर्म तो औरत का जेवर है। आप देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, आप यही खड़े हैं ना, बिल्कुल परी है परी। हाँ। आओ। अरे अरे, शर्माती क्यों हो भगवान? ये अपने ही बाबूजी हैं। अरे ये खिलौनों के बड़े शौकीन हैं। तुम्हें देखते ही अपने सारे खिलौने खरीद लेंगे। हाँ, आओ आओ आओ, शर्माओ मत, चलो आजा आजा आजा। आओ आओ आओ। बाबूजी देखिए, ये रही मेरी परी। अरे भाई देखें क्या, ये तो शर्माए चली जा रही है। अजी बाबूजी, घूंघट उलटने की देर है, सब बराबर हो जाएगा। आप जरा देखिए तो। तुमने क्या किया? एक बेगैरत के दिल पर चोट लगाई है। मर्द पराई औरत को अपने साथ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी औरत को पराई के साथ देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। अगर मनोहर में जरा भी गैरत बाकी है
तो वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस आएगा। डाली ये क्या मजाक है? और लिंगी बच्ची क्या? कैसे अनाड़ियों की तरह गाड़ी चलाता है? देखो बिल्लू, तुम बड़े होकर इस तरह गाड़ी ना चलाना। अब वो नहीं आएगा, उसकी गैरत मर चुकी है। चलो घर चले। देखो फिर ऐसा ऐसा करके इधर ऐसा फेंको, जल्दी करो। हाँ ये बात अब हम तुमको बोल सकता है, देख के सब कुछ बोल देगा। देखो फिर तुम तेल का धंधा करता है? तेली है, तेली। नहीं, तेल का सौदागर। हाँ, और दूसरी बात ये है सेठ, एक महीने के अंदर अंदर तुम्हारा एक रिश्तेदार मरने वाला है। सुनो तो सेठ, मरने से पहले वो अपनी कपड़े की मिल तुम्हारे नाम करके जाएगा। तो खुशी की बात है प्रभु। हमारी दक्षिणा सेठ, हमारी दक्षिणा। जी कुछ नहीं, दो दो दे दे दे। आपो आपो जल्दी आपो दी। थोड़ी सेठ जी फिर कब आओगे? राम 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 राम। चलवा आज ये बताओ कि मेरी पहले आरती उठेगी या मेरी बारात पहले निकलेगी? चलिए पूरे 5 रुपए लगेंगे। बोलो तुम्हारे पास? अरे 5 क्या, आज तो 500 कहो। सत्यानाशी, तुमने फिर चोरी की? अरे नाराज क्यों होती हो जलवा? यूं समझ लो कि सेठ का रिश्तेदार मरते वक्त मिल मेरे नाम कर गया है। ये लो, मारो जी भाई। अरे भाई तुम्हारा है तो फिर यहाँ क्यों छोड़ के? अगर अभी तुम ना आते तो मैं तो चला था गौशाला देने। देख लो नोट बराबर है कि नहीं? हाँ, फिर मुझे ना कहना कि चोरी की है ये। बराबर बराबर बिल्कुल। जलवा मेरा हाथ नहीं देखोगी? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी, जा चला जा यहाँ। मुझे माफ कर दो जलवा, मुझसे शादी कर लो, फिर देखो मैं कैसे सुधर जाता हूँ। तेरी कसम है जलवा। खबर मेरी कसम खाई तुमने, पैसा देखते ही तुम्हारी नीयत खराब हो जाए। मस्ताना भी तो तुम्हारे जैसा आदमी कभी देखा है उसे बेईमानी करते हुए? अपना और बिल्लू का पेट पालने के लिए सारा दिन शरीफ इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाता है बेचारा। ले बिल्लू, वो खिड़की दीजिए, फोड़ देखते दीजिए, अपने पास है सब। अबे दो नहीं, 3-4-5 जितने बोल सकते हैं फोड़ दे, मगर पकड़ा ना जाने।
हवलदार किया किसने तोड़ा? मला माहिती नाही साहब, इधर एक छोकरा होता वही तोड़ा होगा। कहाँ गया वो? पता नहीं। टूटे हुए शीशे लगवा लो, दरवाजे खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। अरे और शीशे वाला जरा इधर आया। जी आया जी। जी सर। अरे छोकरे ने पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए हैं, जरा नया लगा दो। एक एक शीशे के दो दो रुपए होंगे। अरे हाँ बाबा, दो दिन लेना। हाँ जी लीजिए। साहब, आपने हमें बुलाया है? जी, मैंने ही आपको बुलाया है। ये देखने के लिए कि मेरी बर्बादी में कितनी कसर बाकी है, मैं अब तक जिंदा क्यों? बधाई देने के लिए। उस रोज मैं जल्दी में था। शादी मुबारक हो, बहुत अच्छा मर्द ढूंढा है तुमने। खामोश, अगर कोई और लफ्ज मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। भैया भैया बड़ी जल्दी रिश्ता बदल गया है तुम्हारा। उस रोज तो मेरी आंखों ने कुछ और ही रंग देखा था। देखा जरूर था लेकिन समझे नहीं। वो सब झूठ था, एक नाटक था, तुम्हारे बेगारे दिल पर चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए। मगर तुम एक कुत्ते से भी बदतर निकले। मुझे कह लेने दो, मैं लड़ भेजता हूं ऐसे दलील इंसान पर। मेरी किस्मत में यही था, इसमें किसी का क्या दोष। हेलो बीना। ये क्या हो गया? वो कदम जिससे तुम जैसी देवी को ठुकराया था, भगवान ने छीन लिया है। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बेसहारा किया था ना, तकदीर ने मुझे बेसहारा कर दिया है। मैं आपका सहारा बन जाऊं? नहीं बीना, मैं इस काबिल नहीं। मैं नीच हूं, पापी हूं, जो तुम जैसी लक्ष्मी को घर से निकालकर खोटे सिक्के लिए आया था, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया की ठोकरों के हवाले कर दिया। याद है वो रात तुम्हें, जब मैंने तुमसे कहा था जाओ समंदर में डूब मरो, आज मैं अपने डूब मरने के लिए चुल्लू भर आंसू इकट्ठे कर रहा हूं। ऐसा न कही, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया है बिना। अब सुख भी तो मुझे ही मिलेगा। तुम्हारे सुख को तो मैंने हमेशा के लिए गहन लगा दिया है। तुम्हारी खाली को देखकर मुझे मुन्ने की याद आती है। इस दुख सुख के खेल में न जाने उस बेचारे के हिस्से में क्या है। दो
दीवाने गाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली झूम झूम के दो दीवाने गाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली दुनिया वालों ये दुनिया है बस्ती किसके बाप की आज अगर है कल ना होगी यहाँ जरूरत आपकी यहाँ जरूरत आपकी घूम घूम के दो दीवाने गाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली जाने ये मूर्ख दुनिया पैसे की क्यों दास है ओ ना जाने ये मूर्ख दुनिया पैसे की क्यों दास है चार रोटियां एक लंगोटी बाकी सब बकवास है बाकी सब बकवास है घूम घूम के दो दीवाने गाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली रोटी के दो टुकड़े रोटी के दो टुकड़े दीवाने को मस्ताने को दीवाने को मस्ताने को बात ये दिल की कहने दो महलों वालों महल के नीचे कुटिया को भी रहने दो कुटिया को भी रहने दो घूम घूम के दो दीवाने जाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली घूम घूम के दो दीवाने जाते जाए गली गली अपने दिल में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो टूटे हुए शीशे लगवा लो ¶¶
14 आने होंगे। 12 रुपए 14 आने बहुत ज्यादा है। सेठ जैसा माल वैसे दाम। मेरे शीशे खाली जर्मनी के बने हुए हैं। पत्थर तो क्या बंदूक की गोली भी नहीं तोड़ सकती। अच्छा लगा। बेटा अब चल तेरे उस्ताद को भी पकड़ता हूँ। वो मेरा उस्ताद नहीं है, मैं उसका उस्ताद हूँ। अच्छा वो मेरे शागिर्द है, वैसे वो मेरे पापा है। अच्छा हाँ पापा के उस्ताद। अब तू आ जा। हाँ ये लो 12 रुपए 14 आने। घुरघुर के क्या देखते हो? तुम्हारी सूरत कुछ पहचानी सी मालूम होती है। क्या इससे पहले हम कभी मिल चुके हैं? भूखा कहीं का। ये लो दो आने। दो आने? एक आना सिटी का और एक आना सूरत का। हिसाब बराबर? बराबर। सुनिए ये आपका मकान है? कौन है आप? आप मुझे नहीं पहचानते। आप बिल्कुल बेहोश थे उस वक्त जब मैंने और मेरे बेटे ने आपकी जान बचाई। याद है वो मोटर की टक्कर? अगर मेरा बेटा आपके मुंह में उस वक्त पानी नहीं डालता तो आप यहां के बजाय कहीं और होते। ये लीजिए। ये क्या? शीशे लगाने के 12 रुपए 14 आने तो मुझे मिल गए। ये शीशों के पैसे नहीं, आपने मेरी जान बचाई थी उसका इनाम है। तेरा भी जवाब नहीं मालिक। अपनी जिंदगी में बस एक ही तमन्ना बाकी रह गई थी कि हम भी किसी रोज इस तरीके से नोट गिने। एक दो तीन चार पांच, वो भी पूरी कर ली। और देखिए आपको और आपके बेटे को कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अपनी तो जरूरत ही बहुत कम है जनाब। मेरा नाम मस्ताना है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। पकड़ रखा तुमने इसको? ए मास्टर हम तुम दोनों को अच्छी तरह जानता है, हम तुमको भी अभी ले चलेगा थाने। चलो हमारे साथ। क्या बात है अवालदा, इन्होंने क्या कुछ किया है? अरे सेठ आपको नहीं मालूम, ये जो छोकरा है ना एक पत्थर मार के शीशा तोड़ता है और ये उसका बाप टूटा शीशा लगवा लो ऐसा आवाज देता है। इन्होंने पब्लिक का बहुत नुकसान किया है। ये दोनों बहुत बदमाश है। बदमाश नहीं बिजनेसमैन कहो। शीशे तोड़ना और शीशे लगवाना हमारा बिजनेस है। हाँ, नहीं बेटा नहीं, शीशे तोड़ना हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस शीशे लगाना है। क्यों पापा, छोटे शीशे में बड़े शीशे लगाते तो उसे तोड़ते नहीं है। क्यों बेटा तुम बिजनेसमैन हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? बिल्लू। मुन्ना? मुन्ना नहीं बिल्लू। कितनी उम्र है तुम्हारी? 6 साल से छोटा नहीं है, 7 साल से बड़ा नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है। हवलदार तुम इन्हें छोड़ दो, आइंदा ही ऐसा नहीं करेंगे। मैम साहब आप इन लोगों को नहीं जानता है, हम बहुत दिन से इनकी ताक में, आज तो हम इनको जरूर खाने ले जाएगा। ए, चलो दोनों चलो। बड़ा प्यारा बच्चा है। इसे देखकर मुझे अपने मुन्ने की याद आ गई। वो भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। अरे हाँ बीना, परसों हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। काश मैं उस दिन अपने बच्चे को सीने से लगा सकती, उसका मुंह से आंसू चुम सकती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप को बाप कहते हो, तुम्हारे जैसे बाप को फांसी लगवा देना चाहिए। तुम अपने बच्चे को जो कुछ सिखा रहे हो जानते हो इसका असर क्या होगा? बड़ा होकर चोरी करेगा, जेब कतरेगा, डाके डाले। तुम बाप नहीं कसाई हो जो अपना पेट भरने के लिए इस मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहे हो।
क्या इसकी माँ भी तुम्हें कुछ नहीं कहती? मैं ही इसकी माँ हूँ। क्या जी? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? कौन कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है? मतलब आज से 7 बरस पहले पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों पर यह बच्चा मुझे पड़ा हुआ मिला। उसी दिन से मैंने इसे मां बनकर पाला। तुम इसे पालना कहते हो? तुम्हें तो चाहिए था इसे लिखाते पढ़ाते कुछ अच्छी बातें सिखाते, और तुम सिखा रहे 420 और चोरी। जानते हो आज के छोटे छोटे बच्चे कल के बड़े आदमी बनने वाले। यही बच्चा पढ़ लिखकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता, प्रेसिडेंट बन सकता। इन पर हमारा तुम्हारा नहीं, देश का हक है। तुम इसी के साथ नहीं बल्कि देश और जाति के साथ दुश्मनी कर रहे हो। जी में आता है तुम्हें उठाकर सीधा जेल में फेंक दूं, लेकिन इस बच्चे पर तरस आता है जिसका तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं। इसी बच्चे की वजह से तुम्हें आज मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रहे फिर कभी इस बच्चे को बुरे रास्ते पर डाला तो अच्छा ना होगा। जाओ जाओ यहां से। ये रहा मैं। अरे वारे मेरे भतीजे बिल्लू, ये देख डेले पे बुल्लू। चाचा मटकू, देख ये रहा ये तो। क्यों, कौन जीता? तुम जीते प्यारे, तुम जीते, मान गए आज, मान गए। क्यों नहीं मानोगे, गुलाब के साथ खेल रहे हैं। अरे मस्ताना, ये डिगरी जैसा लौंडा बड़े गजब के हाथ दिखा रहा है, मुझे हरा हरा के मेरा दुहा निकाल दिया। जरा जवान होने दो, फिर देखना बड़े बड़े जुआरियों के दांत खट्टे कर देगा। अच्छा प्यारे, तो हो जाए एक और बाजी। नहीं बिल्लू, खबरदार जो अंडा टाच के लिए, ये बुरी बात। जो खेलता है खेलने दे यार, तूने कौन से पिंग पांग या बिल्ली टेबल खरीद के रखे हैं? तू नहीं समझता है, अगर ये इसी तरह से ताश खेलता रहा तो आगे जाके दुआरी बन जाएगा। तो तेरा क्या ख्याल है, ये क्या बनेगा, किसी बड़ी अखबार का एडिटर? क्यों नहीं, अगर अच्छा पढ़ लिख जाए तो एडिटर क्या, कलेक्टर भी बन सकता है। वाह, अबे तट पूंजिए, जैसे कलेक्टर बाली सर हम तुम है वैसे ही ये बनेगा। तू सड़कों और गलियों की खास जानता है, और ये बड़ा होकर अगर बहुत तीर मारेगा तो PWD का कूली बनेगा, और उन्हीं सड़कों और गलियों की लंबाई चौड़ाई माप सकेगा। जब अपने दिमाग को ड्राई क्लीन करा। ड्राई क्लीन दिमाग कराने की जरूरत है तुम्हें? तुम इसकी बुराई भलाई नहीं छोड़ते, मैं तो उसको पढ़ा लिखा कर छोड़ू। तू नहीं पढ़ा सकेगा मस्ताना, तू नहीं पढ़ा सकेगा। अगर क्यों नहीं पढ़ा सकूंगा? इसलिए कि एक बहुत बड़ी ताकत तेरा रास्ता रोक लेगी, उसका नाम है गरीबी। मैं गला मरोड़ दूंगा उस ताकत का। अरे उसका गला मेरा बाप भी नहीं मरोड़ सका जो मुझसे डबल आदमी था, जबी तो आजकल मैं डुगडुगी बजाता हूँ। मगर ये डुगडुगी नहीं बजाएगा, ना ये सड़कों की खास छानेगा, ना ये उनकी लंबाई चौड़ाई नापेगा। ये पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, शरीफ आदमी बनेगा, इज्जतदार आदमी बनेगा, और मैं अभी उसका इंतजाम करता हूँ। तेरा ख्याल है, हो सकता है, मगर मैंने तो सुना है कि आजकल BAMA वाले चौपाटी पे आलू छोले बेचते हैं। तुम पागल? मैं पागल ही सही, मैंने सुना है भाई, गलत भी हो सकता हूँ। इज्जतदार आदमी हो सकता है, हो सकता है, अपनी डुगडुगी अच्छी, मौज से खा पी के मस्त होके सो जाते हैं। आलू छोले बिके ना? अरे बताओ, बताती हूँ, तेरे ठहरू ना। अरे तुमने ऐसी सजावट कर रखी है जैसे बड़ी पार्टी होने वाली है। शादी का दिन है क्या? तो जन्मदिन मेरा नहीं उसका, तुम्हारा? मेरा? रानो जरा आंखों पर हाथ रखो। ये क्या मुसीबत है बार बार आंखों पे? बताओ ना। जी मेरा जन्मदिन नहीं इसका। मुन्ना, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया।
दीना, इन आंसुओं को पोंछ डालो। आज हमारी मुन्ने की सातवीं सालगिरह है। ये तो हमारे लिए खुशी का दिन है। देखो तो सब नन्हे मुन्ने हमारे मुन्ने का जन्मदिन मनाने आए हैं। क्या हुआ जो वो आज हमारी नजरों से दूर है, लेकिन हमारे दिल से तो दूर नहीं। हमारी ममता उसे जरूर एक दिन हमारे पास ले आएगी। तुम बत्तियां बुझाओ और तुम ही केक काटो। हाँ दीदी बुझाओ। हाँ दीदी। हाँ बेटा माफ कीजिएगा, हम फिर किसी वक्त आ जाएंगे। इससे अच्छा वक्त और कौन सा होगा। आजा बेटा मेरे साथ। बिल्लू फूंक मारकर सारी बत्तियां बुझा दो बेटा। हाँ बुझा दो। हाँ बेटे अब जरा केक काटो। वाह वाह बहुत। मुन्ने मेरे बच्चे तू जहां कहीं भी है खुश रहे। भगवान करे तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। जादू चीन का। अरे देखो 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 बच्चों खेल तमाशा बीन का। देखो मेरे पास है जादू की पिटारी। अरे जादू की पिटारी में है चीन की दुलारी। नाम है जिसका पिसी मामा यो कोहामा। नाम है जिसका पिसी मामा यो कोहामा। परियों की है ये शहजादी भोली भाली सीधी सादी। पास है इससे बड़े खजाने खाती है सोने के दाने। नीनी पापा हमें दिखाओ हमें दिखाओ हमें दिखाओ। ना 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 मत हाथ लगाओ इसी सड़क से आई है ये चीन की शहजादी। अरे इसको हाथ लगाने वाला करेगा इससे शादी। आया चीनी बाबा लेके जादू चीन का। देखो 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 बच्चों खेल तमाशा चीन का। नाना बच्चा होशियार शादी को हूँ मैं तैयार। अरे नाना बच्चा होशियार करेगा जो भी शादी बेटा शहजादी के संग। पहले काले भूत से उसको लड़नी होगी जंग। काला भूत काला भूत मम्मी काला भूत दादी। बड़ा भयानक काला भूत सोलह हाथों वाला भूत। उसके साथ तोड़ के रख दो सोलह हाथ।
आजा आजा काले भूत आजा ओ काले भूत आजा 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 जरूर देंगे। मांगू क्या चाहिए? मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ाएंगे? मेरा पापा बहुत गरीब है, वो मुझे पढ़ा नहीं सकता। हम तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा, तुम जितना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो हम तुम्हें विलायत भी भेजेंगे। विलायत भी सारा जिम्मा ले लिया इसकी पढ़ाई लिखाई का। वो कहते हैं कि अगर इसको विलायत भी जाना पड़ेगा तो उसको विलायत भी भेजेंगे। एक दिन मेरा बिल्लू पढ़ लिख कर इज्जतदार शरीफ आदमी बन जाएगा। वेरी गुड, मैं भी तुम्हारे बिल्लू के लिए मनोहर बाबू के पास जा रहा हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जरा मेरी तरफ से कुछ कह दीजिए। तुम फिक्र ना करो मस्ताना, मनोहर बाबू इसे अपना बच्चा ही समझेंगे। क्या बेटे? ओह यस। अच्छा नमस्ते। हेलो मिस्टर मनोहर। हेलो मदन मोहन, क्या हाल चाल है भाई? अरे भाई आज कोई पार्टी थी क्या? हमारे मुन्ने की सालगिरह थी। अच्छा तो मुन्ना मिल गया? ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो सिर्फ उसकी याद से प्यार कर लेते हैं। अच्छा एक बात तो बताइए। क्या? आज से कितने साल पहले आपका मुन्ना खो गया था? यही कोई 7 साल पहले। कैसे? उसे पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से कोई उठाकर ले गया था। पीपल वाला मंदिर? मिस्टर मनोहर, जिस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा आज आपने लिया वो बच्चा मस्ताना। मेरा बच्चा? ये कैसे कह सकती हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ। ये बच्चा मस्ताना को पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों पर ही मिला था। पीपल वाला मंदिर? हमारा मुन्ना है बीना। बीना अभी उनसे न कहीं,
पहले बच्चा तो मिल जाने दीजिए। आप उस वक्त की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते जब माँ सचमुच अपने बच्चे को अपने सामने खड़ा देखेगी। इंस्पेक्टर नाचे अब्बा प्यारा कुंभा तारा सितारा। मस्ताना किसका नाम है? मैं हूँ। बिल्लू इसी बच्चे का नाम है? बिल्लू हाँ इसी बच्चे का नाम है। मगर क्या बात है? इसके माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट की है इसलिए हम इसे लेने आए हैं। माँ बाप? इसका माँ बाप सब कुछ मैं हूँ। क्यों मतलब? ओ मस्ताना सरकार मैं इसका चाचा हूँ और ये चाची होने वाली। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तुझे दाने कौन देता है बेटा? थानेदार साहब ये तो कहते हैं कि ये लड़का उनका है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चा मेरा है। अरे पापा मेरा है। देखिए मैं जानता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं लेकिन मुझे मेरे फर्ज ने जकड़ रखा है। तो फिर हम क्या करें? रास्ता एक ही है। आप अपनी मामता की फरियाद लेकर कचहरी चले जाइएगा और वहाँ आपकी हर एक बात ध्यान से सुनी जाएगी। सिपाहियों पकड़ लो बच्चे को। नहीं मैं बच्चे को नहीं जाने दूँगा। Thank you.
मैं हूं मस्ता। मस्ता है, लड़ाई हुई है मेरे साथ और गुस्सा उतार रही है बर्तनों पे। अरे भगवान, आजकल बर्तन बड़े महंगे मिलते हैं, जरा जरा करो। हाँ जी, घर का मामला है, क्या करूँ मैं, मर गया मैं, लुट गया। आजकल वैसे भी कमाई नहीं और तुम लगी बर्तन तोड़ने, तो जरा बर्तनों को तो संभालो। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री प्रेस मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई समाचार फ्री प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री प्रेस मुंबई समाचार। आज की ताजा खबर 10,000 रुपए इनाम, आज की ताजा खबर 10,000 रुपए इनाम। 10,000 रुपए इनाम किस बात का? एक बच्चा घूम इलाज से, उस पर ढूंढ के देंगे ना, उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। कहाँ है वो बच्चा? इधर है ना, अखबार में फोटो छपेला है। मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन आपने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो मैं ये रुपया ले लूं? अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक कि ये मालूम ना हो जाए कि आपने जो हमारे मुन्ने के बारे में खबर दी है वो ठीक है। हुजूर, आप यकीन रखिए, मैं दुनिया भर से झूठ बोल सकता हूँ, एक दुखी माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं औलाद का दुख जानता हूँ हुजूर। हेलो बीना, क्या मुन्ना मिल गया? हाँ हाँ, मुन्ना मिल गया, वो पुलिस से ले आई। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। बाबा दाजी, मेरा बिल्लू है, इसके हाथ ना लगा, इसे बंद कर दो। बिल्लू को तुम उतर नहीं सकते, इसे मेरा बिल्लू तुम उतर नहीं सकते। छोड़ो बिल्लू, बिल्लू मेरे होटल में तुझे कोई नहीं ले रहा था बिल्लू, मैं जान दे दूंगा मगर तुझे नहीं जान दूंगा। बीना देवी, घर ले जाइए। चलो बेटे घर चले। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तुम झूठ बोलती हो, मेरी माँ मेरे पापा है। ये इंसाफ नहीं सारा सर, सुन, आप जबरदस्ती मेरा बिल्लू किसी को नहीं दे सकते। इस औरत के पास क्या सबूत है कि ये बच्चा इसका? ये अमीर लोग जब बेऔलाद होते हैं तो हम गरीबों के बच्चे छीन के ले जाते हैं या खरीद लेते हैं। अगर मैं अमीर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहूंगा, मैं आपकी फरियाद से जमीन आसमान हिला दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। रीना देवी, अब इस बच्चे को आप नहीं ले जा सकती। क्यों? मस्ताना इंसाफ मांगता है, अब इस बात का फैसला अदालत करेगी इस बच्चे का असली हकदार कौन है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैंने इसे जन्म दिया है। इसका सबूत आपको अदालत में देना होगा, अदालत के फैसले के बगैर हम ये बच्चा किसी को नहीं दे सकते। हाँ, अगर मस्ताना मान जाता तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाता। मस्ताना,
बच्चा मुझे वापस दे दो मस्ताना। तुम अच्छी तरह जानते हो बच्चा तुम्हारा नहीं। तुम चाहो तो माँ की जुड़ी गोदाबाद हो सकती, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं कह चुका हूँ कि मैं जान दे दूंगा मगर बच्चा वापस नहीं करूंगा। ये बच्चा मेरी जिंदगी है। तू मुझे इस तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही है? मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया। एक माँ बाप को उनके बिछड़े हुए बच्चे से मिला दिया। जरा सोचो तू, एक माँ ने इतने बरस कैसे तरफ तरफ के गुजारे होंगे, अपने बच्चे की याद में कितना रोई होगी। आज मैंने उसी माँ की सोनी गोद भर दी, जलवा उसी माँ की सोनी गोद भर दी, और साथ साथ अपना काम भी हो गया। तुम्हें शादी के लिए दौलत चाहिए थी ना, देख मैंने तुम्हारे सामने दौलत का ढेर लगा दिया है। तुमने दो वक्त के खाने का फिक्र था, मैं जिंदगी भर की रोटियां ले आया हूँ। अब तुम न थके झुके ज्योतिष लगाओगी, न मैं चौराहे पर डुबकी बजाऊंगा। सारी उम्र मजे में गुजरेगी। तुम सुखी हो जलवा, जवाब नहीं करना। क्या ये बच्चा तुम्हें पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से मिला था? जी। योर ऑनर, मस्ताना ने दो जुर्म किए। पहला ये कि इसने श्री मनोहर लाल और श्रीमती दीना देवी के बेटे मुन्ने को, जिसे ये बिल्लू कहकर पुकारता है, गैर कानूनी तौर से अपने पास रखा हुआ और माँ बाप को उनका बच्चा देने से इनकार करता है। दूसरा ये कि जब पुलिस बच्चा लेने के लिए इसके घर पर गई तो इसने पुलिस को अपना फर्ज अदा करने से रोका और बच्चे को लेकर भाग गया। मैंने कोई जोर नहीं किया, बिल्लू मेरा, अगर मेरी जगह कोई और होता वो भी नहीं करता। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, श्री मनोहर लाल और श्रीमती दीना देवी का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्लू इन्हीं का मुन्ना है? ये किसी और का बच्चा भी हो सकता है। जो राणा, ये साबित करने के लिए हमारे पास गवाह मौजूद है, गवाहों को हाजिर किया जाए। पुजारी जी, आप अच्छी तरह पहचानते हैं कि ये वही आदमी है जिसे आपने बच्चा दिया था? जी हाँ, ये तो बच्चे को ले जाने से इनकार करता था, परंतु हमने समझा बच्चा इसी का है और अपनी गरीबी के कारण ये उसे छोड़कर भाग रहा है। हमारे बहुत कहने सुनने पर अंत में ये बच्चे को अपने साथ ले गया। ठीक है, इसके जाने के बाद क्या वो देवी बच्चे को ढूंढती हुई मंदिर में आई थी? जी श्रीमान, ये बेचारी पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती वहां आई। हमें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि वो बच्चा इसी देवी का था जिसे हमने भूल से इस आदमी को दे दिया था। इस देवी के पहचानने में आपको किसी किस्म का धोखा तो नहीं हुआ? जी नहीं। इंस्पेक्टर, आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, 20 मार्च 1948 के दिन यही श्रीमती जी रिपोर्ट लिखवाने आई थी कि इनके बच्चे को कोई पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर ले गया है। इन्होंने अपना नाम दीना देवी बताया था। वो रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड में मौजूद है। योर ऑनर, गवाहों के बयान से साबित होता है कि आज से 6 साल पहले मस्ताना जिस बच्चे को पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर ले गया था वो श्री मनोहर लाल और श्रीमती दीना देवी का बेटा मुन्ना है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि बच्चा उसके माँ बाप को दिया जाए। मस्ताना, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, जिस वक्त ये बच्चा मुझे मिला था उसी वक्त अगर इसके माँ बाप मुझे मिल जाते तो मैं बड़ी खुशी से इसे वापस कर देता, लेकिन अब ये बच्चा मेरी जिंदगी बन चुका है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो?
जबकि इसके असली माँ बाप का पता चल चुका है। ये लोग जो आज अपने आप को माँ बाप कहते हैं, इन्हीं लोगों ने इस बच्चे को आज से 6 बरस पहले अपनी जिंदगी का बोझ समेट के फेंक दिया था। उस वक्त माँ की तड़प और बाप का प्यार कहाँ गया था? अगर मैं उस वक्त इस बच्चे को अपने सीने से न लगाता तो ये बच्चा आज किसी यतीम खाने में होता, सड़कों पर भीख मांगता होता या भूख से बिलबिला के मर गया होता। मेरे प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बड़ा। मैंने इस बच्चे के लिए सब कुछ किया जो माँ बाप कर सकते। रातों को उठ के इसे डोरियां सुने, इसका पेट भरने के लिए खुद भूखा रहा, मगर इसे भूख से न रोने दी। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक सांस इस पर निछावर कर दिया, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं किया था कि एक रोज लुटेरे आए और मेरी जिंदगी लूट के ले जाए। ये बच्चा मेरी जिंदगी है, जैसा मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बगैर। अगर ये बच्चा मुझसे छीन लिया गया तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो भीख ही दे दीजिए, मैं आज में मिलू की भीख मांगता हूं। जैसा दे दीजिए। मस्ताना ने जो पुलिस के काम में रुकावट डाली थी, हालात और उसके जज्बात को देखते हुए मस्ताना को बाइज्जत बरी किया जाता है और बच्चा उसके असली माँ बाप श्री मनोहर लाल और श्रीमती बीना देवी को दिया जाता है। क्योंकि मस्ताना ने बच्चे को 6 साल तक पाला है, इसलिए कोर्ट बच्चे के माँ बाप को ऑर्डर करती है कि वो मस्ताना को 2000 रुपए खर्चे के तौर पर दे। नहीं नहीं जज साहब, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। तुम्हारे साथ हुआ है सब मैंने किया है, मैं ही तुम्हारा कसूरवार हूँ। मुझे सजा दो, मैं इस काबिल हूँ कि मेरे मुंह पे थूको। मुझसे बढ़कर कोई जली नहीं हो सकता मस्ताना, मुझसे बढ़कर कोई जली नहीं हो सकता। मुझे मारो, मुझे पीटो मसाला, मुझे मारो, मुझे पीटो मसाला। दुनिया वालों ने फैसला कर दिया है कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। क्या चला गया अपने माँ बाप के? तुम्हें क्या हो गया पापा? तुम्हें तो कहा करते थे मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप। वो मेरी भूल थी, ना तू मेरा बिल्लू है ना मैं तेरा पापा। तुम झूठ बोलते हो, तुम ही मेरे पापा हो। मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा पापा। अच्छा मुझे धक्के मत दो पापा, मुझे अपनी गोद में उठा लो। मुझे गोद में उठा लो पापा, मुझे धक्के मत दो। बिल्लू मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तेरा कोई नहीं लगता बिल्लू। नहीं मस्ताना, तुम ही इसके सब कुछ हो, ये तुम्हारा ही बेटा है। हाँ मस्ताना, हम इसके कुछ नहीं लगते, तुम ही इसकी माँ हो, तुम ही इसके बाप हो। ये तुम्हारा बिल्लू है,
भर तुम इसके पापा 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 नहीं, ये बिल्लू हम सब का है।